हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे एकदम जबरदस्त। तो मैं आपका दोस्त गौरव जी आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 4 जनवरी 2023 की करंट अफेयर। तो उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आप सभी ने देख लिया होगी, सभी क्वेश्चनों को भी याद कर लिया होगा। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। और जिन भाइयों को ये PDF डाउनलोड करनी है जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से आप सभी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। और जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक अपने भाइयों बहनों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है जल्दी से पेज फॉलो कर लीजिए। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी आपको PDF डाउनलोड या ये फोटो मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। प्यारे फ्रेंड्स, देखिएगा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। मुश्किल से 5 से 6 मिनट में आप सभी क्वेश्चनों को खल्लास कर डालोगे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या दिया हुआ है आज का। हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो किस राज्य का? बिहार का, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है प्यारे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो किसने? काकी माधव राव ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया? तो किस देश में? अमेरिका में, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो कौन थी? एक गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत से पॉपी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 04 लाख टन हुआ है? तो कितने प्रतिशत? 2%, ठीक है, याद रखना, या 2%। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है प्यारे फ्रेंड्स? हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो किस देश के बीच? ऑस्ट्रिया, ठीक है, इसकी राजधानी है वियना, आपको भी पता है प्यारे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में? केरल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, याद रखना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है प्यारे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? ओडिशा। क्या है इसका नाम? उड़ीसा, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश में 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने? देखिएगा, स्वीडन देश ने, ठीक है, याद रखना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है प्यारे फ्रेंड्स? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए ADB के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस राज्य ने? त्रिपुरा, ठीक है, याद रखना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती कब मनाई गई है? तो कब मनाई गई है? 3 जनवरी को, ठीक है, याद रखना प्यारे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया? तो कौन बन गया है? चाइना, मतलब चीन। तो प्यारे फ्रेंड्स, आपको दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा, तो फिर पहला कौन था? तो पहला था जर्मनी, ठीक है, जिन्होंने सितंबर 2022 में ये कारनामा करके दिखाया था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो किस वर्ष तक? 2030 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कौन बनी है? शिवा चौहान। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है प्यारे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डॉक्टर वीना प्रकाश सिंह। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? केरल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में 2023 से कितने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यूईओ टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो कितने? किसने किया है कारनामा? ये क्या है? BCCI ने, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है प्यारे फ्रेंड्स? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, हाल ही में फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है? तो किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने निजात अभियान को IACP पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य की पुलिस ने? ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती हो रही है इसीलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को निजात अभियान IAP का पुरस्कार मिला है? तो ये है सही तरीके से, IACP का पुरस्कार मिला है। तो किस राज्य की सरकार को? पुलिस को? छत्तीसगढ़ को, ठीक है, याद रखना प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिएगा
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चनों को भी आपने दिमाग में छाप लिया होगा। तो जिन भाइयों को ये PDF डाउनलोड करनी है, जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है, वो जल्दी से इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सभी PDF के फोटो मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना दोस्तों, बाय बाय, टाटा।